अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं एम एस खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम एस सामिक शाह। दोस्तों उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों परेशान होने की कोई बात नहीं है, इस साल इंशाल्लाह ताला अजीज गंदम लोग बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन गंदम पाकिस्तान में मौजूद है। आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना लोग स्टॉक कर रहे हैं, गंदम किधर से आएगी, हम कैसा खाना खाएंगे, ये सब अल्लाह पाक की जात बेहतर करेगी। दोस्तों अल्लाह पाक की जात इंशाल्लाह ताला अजीज गंदम देखना सस्ती होगी। इस बार स्टॉकियों को सबक मिलने वाला है मेरे अल्लाह पाक की तरफ से, क्योंकि लोग इस साल खाने वाली चीज गंदम को बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की खातर, लालच की खातर। जिसके पास जितने भी पैसे हैं वो गंदम पे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि भी अब 10 लाख की ले लूंगा और सर्दियों में 20 लाख की बेचूंगा। यानी कि मिसाल के तौर पर इसके पास 10 लाख है, जिसके पास 1 करोड़ है, वो डबल के चक्कर में है। लेकिन उसको ये पता नहीं अवाम जो गरीब है वो किधर जाएगी, अवाम के पास जो गरीब अवाम है जिसकी 500-600 दिहाड़ी है वो किधर जाएगी, किस कहां से पैसा लाएगी ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। दोस्तों आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक के फजल करम से पाकिस्तान बहर से गंदम मंगवा रहा है, लेकिन जो सटाकी हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होंगे। गंदम का रेट इंशाल्लाह नीचे आएगा और गंदम पूरे पाकिस्तान के खाने के लिए बहुत है, जब बहुत है वो नहीं इस पर शॉर्ट होने वाली गंदम। आपने बिल्कुल परेशान नहीं हो दोस्तों, इंशाल्लाह तआला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक गंदम का जो रेट है वो नीचे आएगा, यानी कि गंदम का रेट स्टेबल रहेगा, अपने परेशान नहीं होना। और स्टॉकिंग को अल्लाह पाक ऐसी जिल्लत देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो याद रखेंगे, कभी वो गंदम स्टॉक नहीं करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाजत दीजिए।